खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज एट 7 में मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से करेंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। कल उन्होंने शपथ ली थी। शपथ से लेकर अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं और इन 24 घंटों में उद्धव शपथ के पद पर आगे बढ़ते हुए लथपथ दिख रहे हैं। कैसे, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के 19वें सीएम बने उद्धव ठाकरे ने आज अपना सिंहासन संभाल लिया। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उद्धव और उनके पार्टी के मंत्रियों, एनसीपी के मंत्री और कांग्रेस के मंत्री ने भी अपने सीनियर नेता और शिवाजी महाराज का नाम लिया, बल्कि संविधान के मुताबिक मैं के बाद इन्हें ईश्वर की शपथ कहना चाहिए था। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून, आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून, बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या आदेशानुरूप, आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं, श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी यांच्या आशीर्वादानं। बीजेपी शपथ को अवैध करार दे रही है और सवाल उठा रही है कि ऐसे कैसे चलेगी सरकार। जो समझ में आता है कि ये पूरी सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स और घरानेशाही को समर्पित है। घरानेशाही होने के कारण संविधान से भी ज्यादा महत्व उनको घरानों का लगता है, तो जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मगर इस पद्धति से गंभीरतापूर्ण सरकार को नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल ने भी आपत्ति दर्ज करवाई है, इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत शुभ संकेत है, उनको इसको कड़ाई से लेना चाहिए और उनके इस संविधान जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको अवैध ठहराना चाहिए। शिवसेना की सरकार में सहयोगी एनसीपी ने भी इसे गलत बताया है कि लोग इस तरह से चीजें करते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक आचार संहिता जो है उसको कड़ाई से लागू करने का एक सबको निश्चय करना पड़ेगा और उसी तरह से जो आचार संहिता है, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो। भी संवैधानिक पदों पे बैठे हैं या बैठने वाले हैं या बैठते हैं, ऐसे सभी लोगों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। की प्रक्रिया चल रही थी तो अपना आक्रोश जाहिर किया है कि प्रक्रिया बेहद गड़बड़ थी और जो गलत लोग थे वो भी मंच पे चढ़े हुए थे। और ऐसा कहा किसने? कहा राज्यपाल। अभी गलत लोग कौन है मुझे मालूम नहीं। वहीं ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शपथ से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया उसमें हिंदी की प्रस्तावना में दो बार धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है। ऐसे ही अंग्रेजी के प्रियाम्बल यानी प्रस्तावना में दो बार सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने जब इसको लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल किया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़क गए। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्युलर शब्द का जिक्र किया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या शिवसेना सेक्युलर हो गई है? सेक्युलर का मतलब क्या है? वो मैं आपसे नहीं, मैं क्यों जानू, आप पूछो ना मुझे। सेक्युलर पहले बताओ, सेक्युलर का मतलब क्या है? संविधान में जो क्या है लिखा है, संविधान में जो कुछ है वो है। उद्धव ठाकरे ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा कि अब वो केवल शिवसेना के अध्यक्ष नहीं हैं जो अपनी मर्जी से सवालों के जवाब देंगे, वो अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे। उद्धव ने बीजेपी से 30 साल पुराना नाता तोड़कर सरकार बनाई है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व वाली सालों पुरानी विचारधारा की भी बलि चढ़ा दी। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है। उद्धव ने सीएम बनते ही किसानों के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान करने का वादा कर दिया। किसान खुश हो जाएगा ऐसे हम तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है। लेकिन साथ ही कर्ज का रोना भी रो दिया। शिवसेना ने सामना अखबार में आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र पर 5 साल में 5,00,000 करोड़ का कर्ज लाद दिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार सत्य और न्याय की सारी कसौटियों पर खरी उतर कर स्थित रहेगी।
पांच साल में राज्य पर 5 लाख करोड़ का कर्ज लादकर फडणवीस सरकार चली गई। इसलिए नए मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है उस पर तेजी से लेकिन सावधानी पूर्वक कदम रखना होगा। शिवसेना के इस आरोप में कितना दम है, जब हमने ये पड़ताल की तो पता चला कि ये सारा कर्ज फडणवीस के कार्यकाल का नहीं है। जब 2014 में फडणवीस सरकार आई तो पिछली सरकार ने उन पर 2,71,000 करोड़ के कर्ज का बोझ डाला था, जो अब बढ़कर 4,70,000 करोड़ हो गया है। बीजेपी कह रही है कि सामना को शिवसेना को अब सोनिया नामा बनाना पड़ेगा, क्यों सुनिए। जिस प्रकार सामना हम पर लगातार, क्योंकि हम बजट दिल वाले पार्टी है और सोनिया गांधी कांग्रेस ऐसी नहीं है, तो सामना में हमारा अटैक कई बार गठबंधन में रहते हुए हुआ, हमने झेल लिया। बट लेकिन अब उद्धव ठाकरे को उसको सोनिया नामा बनाना पड़ेगा। सामने पे एक शब्द उनके खिलाफ आप कर लिखेंगे, आपकी नीचे से आपकी आपके पैर खींचेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार को निशाने पर लिया और कहा, कल हुई बैठक में बहुमत के बारे में चर्चा तो हुई लेकिन किसानों को मदद कैसे की जाए इस पर चर्चा नहीं हुई। गोडसे का महिमा मंडन करने वाले बयान पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज 2 बार संसद में माफी मांगनी पड़ी, पर इसी के बहाने प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवादी कहे जाने पर राहुल गांधी पर हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी के कुछ सांसद भी प्रज्ञा के समर्थन में उतर आए। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं, जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आज सदन में अपने बयान पर माफी मांगी। साध्वी प्रज्ञा का माफी मांगने का तरीका विपक्षी सांसदों को रास नहीं आया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। परसों लोकसभा में बापू के हत्यारे को कथित तौर पर देशभक्त बताकर विरोधी पार्टियों के निशाने पर आई साध्वी प्रज्ञा से माफी की मांग की जा रही थी, लेकिन गोडसे विवाद में घिरे जाने की बारी अब राहुल गांधी की थी। सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया, अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। गोडसे पर साध्वी के बयान के बाद राहुल गांधी ने कल ट्विटर पर साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बताया था। साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बोले जाने पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कार्यवाही की मांग की, लेकिन इस दौरान निशिकांत दुबे भी एक विवाद खड़ा करने वाला बयान दे गए। इस सदन के सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन के सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जो आतंकवाद शब्द का यूज किया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज पोषण जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। इस सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है, इसीलिए आप राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मूव करिए। साल 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट के केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अपने बयान पर कायम है। गोडसे के विवाद पर सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नाराज दिखे और उन्होंने सभी दलों के नेताओं को अपने चेंबर में मिलने के लिए बुलाया। गोडसे पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस सदन में तो हंगामा कर ही रही है, इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साध्वी प्रज्ञा का गोडसे से जुड़ा विवाद नया नहीं है, इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा चुनाव के दौरान गोडसे को देशभक्त बताकर पार्टी की फजीहत कराई थी। आज लोकसभा में माफी मांगने के बाद भी विरोधी पार्टियों के सांसदों का हंगामा बढ़ता देख साध्वी प्रज्ञा ने सदन में दोबारा माफी मांगी कि मैंने 27/11/2019 को SPG बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ।